वेलकम बैक माय चैनल स्विंग ट्रेन। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू। ये इसका पार्ट नंबर 5 है, सॉरी ये पार्ट नंबर 4 है और मैंने इसका बैक साइड जॉइंट कर लिया है। ये मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि मैंने इसका नेक जो है फ्रंट का नेक एक साइड का मैंने जॉइंट करके आपको पार्ट नंबर 3 में बताया है। ये पार्ट 4 है, इसमें मैंने बैक साइड कर दी है और मैं इसका फ्रंट का सेकंड पार्ट आपको दिखाती हूँ कैसे जॉइंट करना है। ये देखिए मेरा जो है बैक साइड ये कंप्लीट हो गई है। ये देखिए ये फ्रंट साइड है, ये आर्म होल है बीच में और फिर ये बैक साइड है। अब मुझे इधर की तरफ नेक जो है दूसरी साइड का नेक बनाना है। ये कैसे बनेगा मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये मोटिफ लगेंगे और ये हाफ मोटिफ है। इसी तरह से जैसे हमारा ये बैक साइड फ्रंट साइड दूसरी साइड की नेक बना था, इसी तरह से ये इस साइड का बनेगा। बस इसमें फ़र्क ये होगा वो स्टार्टिंग से हुआ था, ये इधर से दूसरी तरफ से स्टार्ट होगा। ये बैक साइड है, ये आर्म होल हो गए हैं हमारे और अब ये नेक बनेगा। चलिए ये बनाना बताती हूँ मैं इसे। ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है यहाँ से हमें इसमें वूल को जॉइंट करना है, लेकिन इसमें हमें नॉट नहीं लगानी है। बिना नॉट लगाए एक साथ इन दोनों को लेके दो तीन उसमें से करना है। बाकी जो अगर फिर भी धागा बच जाता है तो आप उसे क्रोशिया की हेल्प से चैन में ही अंदर बाहर करके उसे फिनिश कर लीजिए। उससे ये होता है कि हमारी फिर फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, ना ही नॉट नज़र आती है और ना ही बचा हुआ धागा। जो एक्स्ट्रा था वो मैंने कट कर दिया है। अब देखिए इसमें ना उधर ना इधर एकदम फिनिशिंग के साथ ये जॉइंट हो गया है। है सिंपल ही। अब उसी तरह से हमें बस अब ये मोटिफ जॉइंट करना है। इसमें पैटर्न वही है, एक वन चैन वन हाफ क्रोशिया। इसी तरह से ये मैं इस मोटिफ जॉइंट करके कर लेती हूँ पहले। ये हमारा यहाँ तक पहला मोटिफ जॉइन हो गया है। अब इसमें सेकंड मोटिफ जो टू लीव्स का है ये इसमें जॉइन करना है। प्रोसेस सेम वही है क्योंकि जो इसमें जॉइन होने वाले टू लीव हैं वो इसमें हमारी बनी हुई है, उसी प्रोसेस के साथ ये हम टू लीव जॉइन कर लेंगे पहले। ये हमारी दोनों लीफ जो है जॉइंट हो चुकी है। अब इसमें 5 चैन बना के जो हमारा नीचे वाले मोटिफ का लूप है वहाँ पे हम इसे चैन का जो लूप है उसमें हम इसे जॉइन करेंगे। यहाँ पे मैंने इसे जॉइन कर लिया है। फिर से हम 5 चैन बनाएंगे। 5 चैन बनाकर जहाँ से हमारी ये 5 चैन की स्टार्टिंग हुई है यानी कि जहाँ से हमारी लीफ की जॉइनिंग है वहाँ पर हम इसे देखिए यहाँ पर हम इसे जॉइन करेंगे। फिर से 5 चैन बनाएंगे और जहाँ हमारी ये नीचे लीफ की स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर इसे जॉइंट करेंगे। इसके बाद 1 चैन और जो सेंटर पॉइंट है लीफ का वहाँ पर जॉइंट करना है। फिर 1 चैन और लीफ की स्टार्टिंग पॉइंट पे
ज्वाइन करना है। फिर से फाइव चैन बनाएंगे। फाइव चैन के बाद फिर ये लीफ के एंड पॉइंट पे ज्वाइंट करना है और फाइव चैन बना के अब हमारा नेक्स्ट मोटिव जो हमारा ये मोटिव है इसकी तरफ हमें इसे पूरा कंप्लीट करना है। ये हमारी सेकंड रो है। सेकंड रो आपको मालूम है किस तरह से होती है, जैसे मैंने पहले ही बताया है। ये सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब इसमें हमें नेक्स्ट मोटिव ज्वाइन करना है। अब ये सिंगल मोटिफ है इसीलिए सिंगल लीफ के साथ ही जॉइंट होगा, इसके साइड में दूसरा मोटिफ नहीं है तो इसीलिए इसकी सिंगल लीफ ही जॉइंट होगी। कि अब जो हमारा सेंटर पॉइंट है नीचे का ही वहाँ पे फाइव चैन बना के जॉइंट करना है, फिर फाइव चैन बना के इसी की मोटिफ की जो सेकंड लीफ है उसमें जॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे जॉइंट किया है उसके बाद फिर वही अपना बस वन चैन वन हाफ क्रोशिया, वन चैन वन हाफ क्रोशिया। टेन चैन बनाकर सेकंड लीफ में जॉइंट करना है। ये अब इधर से इधर की जो है रो है ये कंप्लीट हो जाएगी और हमारा ये आर्म होल और नेक दोनों ही कंप्लीट हो जाएंगे इसी के साथ। ये हमारी लास्ट में टेन फाइव चैन बना के हमारा सेंटर पॉइंट में हमने इसे जॉइंट कर दिया और यहीं से हम इसे पक्का करके वूल को काट देंगे और ये हमारा नेक पूरा कंप्लीट हो गया है। ये मेरी जैकेट जो है अब कंप्लीट मोटिफ जो है कंप्लीट हो गए हैं। अब मुझे इसमें सबसे पहले मैं इसका साइड जो है बॉर्डर बनाऊंगी सिंपल डबल क्रोशिया के साथ जो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगी। ये नेक बन गया है, ये आर्म होल हो गए हैं, आप इसे देखेंगे ये मेरी कंप्लीट हो गई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरी वीडियो को अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।